हेलो गाइस, आई एम पूजा गुलानी। आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं। आज हम सीखेंगे हाउ टू सॉल्व द मैथमेटिकल पजल, मतलब जो मैथ के पजल होते हैं वो कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपको पहले स्क्रीन पे एक सवाल दिया जाएगा, वो आपको 10 सेकंड में सॉल्व करना है। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 2 + 4 = 10, 4 + 6 = 28, 5 + 2 = 15, 6 + 3 = 24, देन 7 + 9 = 40। तो आपका टाइम चालू होता है अब। अगर आपने ये क्वेश्चन 10 सेकंड में सॉल्व किया है तो वेरी गुड, नहीं कर पाए तो सॉल्यूशन आगे मैंने दिया है। देखो तो सॉल्व कैसे करना है इसे। सबसे पहला हम देखेंगे, यहाँ पे दिया है 2 + 4 = 10। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 और 4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 × 4 प्लस इस 2 को इसमें ऐड करना है, इक्वल टू 2 × 4 = 8, 8 + 2 = 10। वैसे ही सेकंड को सॉल्व करना है, 4 + 6 = 28 दिया है, तो 4 × 6 प्लस इस 4 को उसमें ऐड करना है, इक्वल टू 4 × 6 = 24, 24 + 4 = 28। वैसे थर्ड को सॉल्व करना है, यहाँ पे दिया है 5 + 2 = 15, तो इस 5 और 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5 × 2 प्लस इस 5 को उसमें ऐड करेंगे, इक्वल टू 5 × 2 = 10, 10 + 5 = 15। फोर्थ को भी वैसे ही सॉल्व करना है, 6 + 3 = 24 दिया है, तो 6 × 3 करेंगे प्लस इस 6 को उसमें ऐड करेंगे, इक्वल टू 6 × 3 = 18, 18 + 6 = 24। वैसे ही क्वेश्चन मार्क में जो दिया है उसको भी सॉल्व करना है, 7 + 9 = ? तो 7 × 9 प्लस इस 7 को उसमें ऐड करना है, तो आएगा 7 × 9 = 63, 63 + 7 = 70, तो आंसर आएगा 70। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 × 11 = 4, 22 × 22 = 16, 33 × 33 = ? तो आपका टाइम चालू होता है अब। अभी ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ये भी देखेंगे। तो यहाँ पे दिया है 11 × 11 = 4, तो यहाँ पे कैसे करेंगे, इन दोनों की एडिशन करेंगे, 1 + 1 × 1 + 1 इक्वल टू 1 + 1 कितना होता है, 2 × 1 + 1 = 2, तो कितना आंसर आएगा, 4। से ही सेकंड को सॉल्व करना है, यहाँ पे दिया है 22 × 22 = 16, तो कैसे सॉल्व करना है, इन दोनों की एडिशन, 2 + 2 × 2 + 2 = 2 + 2 = 4 × 2 + 2 = 4 = 4 × 4 = 16, ऐसे आंसर आ जाएगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क में दिया है उसको भी वैसे ही सॉल्व करना है, तो यहाँ पे दिया है 33 × 33 = ? तो इन दोनों की एडिशन, 3 + 3 × 3 + 3, तो 3 + 3 कितना आएगा, 6 × 3 + 3 = 6, 6 × 6 = 36। अभी थर्ड क्वेश्चन दिया है, इफ 4 + 4 = 20, 5 + 5 = 30, 6 + 6 = 42,
7 प्लस 7 इक्वल टू 56 देन 9 प्लस 9 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो आपका टाइम चालू होता है अब। यहाँ पे दिया है 4 प्लस 4 इक्वल टू 20। तो पहले इस 4 एंड 4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना आता है, 4 4 जो 16 प्लस इसी 4 को उसमें ऐड करेंगे तो 16 प्लस 4 कितना आता है 20। तो हमारा आंसर आएगा 20। वैसे ही नेक्स्ट रो सॉल्व करना है, 5 प्लस 5 इक्वल टू 30 दिया है। तो पहले इस 5 और 5 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और इसी 5 को उसमें ऐड करेंगे प्लस 5 इक्वल टू 5 5 जो 25 प्लस इस 4 प्लस इस 5 को ऐड करेंगे तो 25 प्लस 5 आएगा 30। तो हमारा आंसर भी है 30। वैसे ही थर्ड रो को सॉल्व करना है, यहाँ पे दिया है 6 प्लस 6 इक्वल टू 42। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 6 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस इसको ऐड करना है प्लस 6 इक्वल टू 6 6 36 प्लस 6 इक्वल टू 36 प्लस 6 42। तो आंसर आया 42। वैसे ही फोर्थ रो सॉल्व करना है, यहाँ पे दिया है 7 प्लस 7 इक्वल टू 56। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस इस 7 को ऐड करना है 7 7 जो 49 प्लस 7 इक्वल टू 49 प्लस 7 56। हमारा आंसर भी है 56। अब ये जो क्वेश्चन मार्क में दिया है वो कैसे सॉल्व करना है, तो दिया है 9 प्लस 9 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस इस 9 को ऐड करेंगे इक्वल टू 9 9 जो 81 प्लस 9 इक्वल टू 90। तो क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा 90। आई होप यू लाइक दैट वीडियो। बस ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को जिसका नाम है पूजा द टीचर।